सीतापुर जनपद के लहारपुर इलाके में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़िता ने लहारपुर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस पीड़िता के बयान दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। पीड़िता के अनुसार लहारपुर इलाके के वसीम नाम के युवक ने खुद को अर्जुन बताकर मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से उससे शादी की। एक साल तक युवती आरोपी के साथ रही, इस बीच उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। अब पीड़िता को जानकारी मिली है कि कथित अर्जुन हकीकत में वसीम है। शादी मेरी हुई तो बताया कि अर्जुन नाम है मेरा और जो है आगरा का रहने वाले, तो मम्मी पापा ने शादी किया मेरी, ठीक है। उसके बाद जो पहले वाली शादी हुई, जब उन लोगों को पता चला, ठीक है, तब उसके बाद वो लोग जो है हमें ढूंढने गए होंगे, कुछ भी हमें नहीं पता। फिर उन्होंने पकड़ा हम लोगों को, हम भाग के नहीं गए, फेरे उसने लिए मंदिर में। कल ये लहरपुर तहसील में एक मामला आया था सामने, जिसमें कुछ लोगों से ये पता चला था कि दो लोग जो है पहले पति पत्नी के रूप में रहते थे, वो उनका कुछ विवाद हो रहा है। पुलिस वहाँ पर पहुँची तो लड़की द्वारा पुलिस को भी शिकायत की और एक लिखित में एप्लीकेशन भी दिया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि एक युवक है जो कि पहले उसका नाम वसीम है और उसने अर्जुन नाम से बोल के उसके साथ शादी की और उसके साथ काफ़ी सालों से रह रहा है और अभी उसको उसकी पहचान इतने दिनों बाद पता चली है। तो ये सब शिकायत देते हुए उसने अपना लिखित में शिकायत पुलिस को प्रस्तुत की। उस शिकायत के आधार पर संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर